नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनेता करण मेहरा मुंबई में गिरफ्तार, पत्नी निशा रावल ने लगाए गंभीर आरोप। करण मेहरा को मुंबई पुलिस ने सोमवार रात गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस के अनुसार करण मेहरा के खिलाफ उनकी पत्नी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पत्नी और एक्ट्रेस निशा रावल द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद मुंबई पुलिस ने करण मेहरा को गिरफ्तार किया। करण मेहरा और उनकी पत्नी के बीच चल रहे खराब रिश्ते को लेकर कई खबरें पिछले दिनों आती रही है। हालांकि दोनों ने इन खबरों को अफवाह बताया था। 2021 में दिनों ने की थी शादी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? फेम एक्टर करण मेहरा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार करण मेहरा की पत्नी और एक्ट्रेस निशा रावल द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद करण मेहरा के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। न्यूज़ एजेंसी NIA के अनुसार मुंबई पुलिस ने बताया था कि निशा ने बीती रात मुंबई के गोरेगांव में शिकायत दर्ज कराई थी। निशा के घरेलू झगड़े के मामले में करण मेहरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से करण और निशा की शादीशुदा जिंदगी में अनबन की खबरें आती रही है। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार 9 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद अब उनका रिश्ता बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। bollywoodlight.com के अनुसार करण मेहरा और पत्नी के साथ तनावपूर्ण रिश्ते पर एक दिन पहले ही उनकी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने पत्नी के साथ खराब चल रहे रिश्तों की खबर को खारिज किया था। निशा ने भी कुछ दिन पहले इन खबरों को अफवाह बताया था। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए इंटरव्यू में करण मेहरा ने मीडिया में चल रहे खबरों पर कहा था कि कल्पना कीजिए कि मेरी तबीयत खराब है और मैं तकलीफ में हूँ, इसलिए मुझे मीडिया से दूरी बनानी है। ये पागलपन है, मैं उस स्थिति में नहीं था। निशा पूरे कोविड संक्रमित के दौरान मेरा ध्यान रख रही थी। बता दें कि निशा और करण 2012 में शादी के बंधन में बंधे थे। इन्हें एक बेटा भी है जिसका नाम कविश है। निशा अक्सर अपने बेटे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती है। करण ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरीज में लीड रोल में थे और उनका किरदार काफ़ी चर्चित रहा था। वो बिग बॉस 10 का भी हिस्सा रहे हैं। वहीं निशा शादी मुबारक, केसर और मेरी लक्ष्मी तेरी आंगन की जैसी शो में नज़र आ चुकी है।